मेरा हाथ कट गया देखो। क्यों कर रही, जल्दीबाजी में लाई है ना मेरे को, मैं इसकी खा रखी हूँ। हमारा जो केक है ना वो यहाँ पर को बनने वाला है। और राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ एकदम। और मॉर्निंग में बताया सब लोग जल्दी उठ के थे मुझको छोड़कर, और आप विश्वास नहीं करोगे मैं उठी कैसे हूँ। मम्मी का कॉल आया था तो फिर उस वजह से मुझे उठना पड़ा, नहीं तो मैं सोई रहने वाली थी। 8 बजे उठ रही हूँ मैं यहाँ भी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं हो रहा था मेरा घर पे यहाँ पे, 8 बजे से पहले उठना ही हुआ मैंने। सो आज ना, कल हमारी कसक का बर्थडे है, तो मौसी और जो मौसी की कल आपने ब्लॉग में फ्रेंड देखी हुई ना, तो ये दोनों मिलकर कस्सू का केक आज घर पर ही बनाने वाले हैं। सो अभी बेस बनाएंगे, शाम को डेकोर करेंगे केक को, लेकिन दिन के टाइम पर हम लोग जाने वाले हैं घूमने, मार्केट को जाएंगे पल्टन वगैरह को। अभी हम चाय पी रहे हैं, इन लोगों की नाश्ता करने का टाइम हो गया है, लेकिन मैंने चाय ही नहीं पी थी, मैंने भी नहीं पी, इसलिए नहीं पी। लेकिन सब लोग खाना खा चुके हैं, मौसी, मौसा जी, लक्ष्य, ये मेरी वजह से रुकी हुई है, तो भूखे रह जाएगी मैं, खा ले। हमारा जो केक है ना वो यहाँ पर को बनने वाला है। और मैं महारानी जी से अभी तक नहाया भी नहीं है, लेकिन आंटी लोग आ गए थे ना इस मैडम का कल, सकल देख कर लग रही, बताओ इसका कल जन्मदिन के लिए यहाँ केक बनाया जाएगा। आंटी मौसी किचन पे है, कैसा अनुभव हो रहा है फिर आपको कल आपका जन्मदिन है? उपहार मिलने की आशाएं हैं कुछ? चूड़ी प्यारी दिख रही है ना, मैं कुछ भी कसम तो बोलती भी और दिन आज उसका साथ आ गया। मौसी क्या क्या आइटम डल रहा है केक में आज? मुझे आंख है, देख। मतलब ये क्या बात है, मेरे को बटर है, मिल्क मेड है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, और कोको पाउडर है, ये वो है, ये लिक्विड सोडा और चीज, और चीज भी देखेंगे। कोको पाउडर है, ये कोको पाउडर ना है, अंदर है, अंदर है, जाओ झूठ बोल रहा, आपने मांगा फिर खा रहे हो? मैंने भी मांगा। कैसे खा रहे हो आप? बंदर हो ना, बंदर की तरह। उधर चल रहा है काम, लाइट ही नहीं है ना अभी। मेरा हाथ कट गया देखो। क्यों करना बताओ? वो मैं डब्बा चाट रही थी ना मिल्क मेड का, उसके साइड पे मैंने ऐसे करा, आराम से हाथ भी कट गए। अब हम इस पे लगाते हैं कुछ टेप शेप, बैंडेज टेप। भयंकर बहुत ही कट गया रे कस्सू, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा यार सही में, वरना मैं तो इतने ढंग से खाती हूँ। एक काम अच्छे नहीं होते यार, मेरे से बताओ तो जरा, मम्मी देखेगी ना, मम्मी भी यही कहेगी। आपको बुला रहे हैं? बाय दोस्तों, पहले टेप वेप लगाते हैं।
मासी लोगों का ना केक बन गया है। वाओ इस बार अच्छा बना है, कल वाला हार्ड हो रहा था जैसे। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। थीरी तो अच्छा हो रहा है। एक छेद हम भी मारे। अरे मम्मी लोगों ने करा तो है। हाँ मौसी, कामदार मौसी को देखो, ये देखो, ये काम पे लगी हैं। दोनों शेड्स ही हमारी आंटी भी काम कर रही हैं। बताओ जो मैंने बोला ना, हमारी मौसी इतनी कामदार है। ये मौसी ने ही सिखाया था मुझे यही लाइन बोलना। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं घंटाघर, पल्टन मार्केट को जा रहे हैं। जल्दीबाजी में तो आए मौसी, अपना केक आधा बना हुआ छोड़कर आई है, वो शाम को बनाएंगी। कर लोगे यार, काई को टेंशन ले रहे हो, मैं आसान नहीं हो जाएगी बहुत। हम लोग आ गए पल्टन पे, आते वक्त इतना हो रहा था ना जाम, आपको क्या बताऊं। पूरी पल्टन मार्केट है। इसके व्यू में नहीं है ना क्या, बस लगाना इनको। यहाँ पर कुछ सारे दिए की शॉप है, इतने सुंदर सुंदर दिए हैं। हमारी मौसी दिए ले रही है, पर मौसी जो है ना वो प्लेन वाले दिए ले रही है। मैंने मम्मा को कॉल किया है इन वाले दियों को लेने के लिए, एक बार देखती हूँ क्या कहती है मम्मी। मासी, ओ मासी। कहाँ मिलेगा हमको वो? मासी ने अभी लेना है गोटा चॉकलेट कंपाउंड, पता नहीं क्या था वो लेना है। केक बना रही ना मौसी, इसके लिए सामान चाहिए था। हम लोग बाजार पे डोई रहे हैं, हमें कुछ सामान नहीं मिल रहा है आज। मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ही लिया, मम्मी की कमी खल रही है। वाओ यहाँ से ले रहे हो? तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे गोटे वाली शॉप पे, हमारी मौसी ने ले लिया। हम लोग घर आ गए और आज मजा भी नहीं आया यार। उसके बाद जब मैं पल्टन गई थी तो मम्मा साथ ही थी, सारे सामान मम्मी देखती थी जो मैं लेने आ रहा था, लेकिन आज मम्मा नहीं थी तो दो तीन सामान ले रखा मैंने। उसमें भी इतना सोच विचार के साथ ले रही थी ना कि लेना सही है, अच्छा तो रहेगा ना, क्योंकि मम्मी लेती तो कोई टेंशन नहीं होती, जब खुद से लोने का पता चल रहा है कि इतना सोचना भी पड़ता था सामान लेने से पहले। एप्पल खा रही हूँ। मासी की फ्रेंड आ गई है, ये लोग केक अभी थोड़ी देर में लाएंगे, सुबह लाइट चली गई थी तो इन्होंने जो हाथ का काम तो कर लिया, लेकिन अभी उसकी फिनिशिंग, उसको डेकोर करने का काम ये लोग अभी करने वाले हैं, तो अभी देखते हैं जब तक मैं इसको फिनिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ को बन रहा है केक।
एक केक ना हम लोगों का ऑलरेडी बन चुका है और ये मासी और आंटी दूसरा केक बना रही हैं। ये इसमें पूरी चॉकलेट डाल रखी इन्होंने ऊपर से। और हमारा लक्का इधर देखो यार फिर भाग गया। लक्का और मैं ना थोड़ा बाहर तक जा रहे हैं चूड़ी के लिए कल के लिए चॉकलेट लेने। तू ऐसे क्या छुप रहा है? टॉबू हमारा टॉबू देखो इसका ये अलग से रूम है हमारे टॉबू का। है टॉबू तेरे को भी सेपरेट रूम दे रखा मासी ने। है मेरा बच्चा मेरा बिड़ू। टॉबी को भी ले चले क्या मम्मा डांटेंगी? अच्छा लगा भाई टबू तेरे लिए कुछ लाना है? मेरा हाथ कटा है गंदा बच्चा। बाय अभी आती हूँ ठीक है अभी आती हूँ। स्टिक इनको ये काम करने देते हैं। मासी के दोनों केक बन गए और दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी ना मासी गई हुई है मार्केट थोड़ा सामान वगैरह लेना है कल के लिए और मैं और लक्का भी घर पे है अकेले। लक्ष्य पढ़ाई कर रहा है कसक ट्यूशन लिया है तो अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ अपने ब्लॉग का मतलब जो अभी अपलोड कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। आज का खाना शायद मौसी रहती बाजार से ही लाते हैं तो देखते क्या होता है। उसके बाद खाते पीते सोते फिर कल भी इतनी सारी प्रिपरेशन करनी है बर्थडे की। दीदी के लिए क्या लाए? कुछ नहीं कुछ नहीं फिर छोड़ो ना एक पीस खाने दो। नहीं छोड़ो आप तो केक नहीं खा रहे हो। एक पीस तो दे ले ले गिर गया ले ले। हम लोगों का खाना पीना हो गया है। मौसी और मौसा जी भी सो गए हैं। अभी क्या हुआ था ना मैं आपसे बोल रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग बाहर से खाना मंगा रहे हैं। मौसी जी लेने गए थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ आज वहाँ शॉपी बनी थी या नहीं क्या ही दिक्कत हुई थी तो फिर हम लोगों ने घर पे खाना बनाया है। सो अभी हम हैं सो रहे हैं। मैं आपको धक्का को दिखाती हूँ। ये ना आज ना स्लीपिंग बैग लेकर घुसा हुआ है मौसा जी का। कल का सफर मैंने इसको कम्बल ले दिया करके देखो ये बाद में देखेगा मुझे डांटेगा। इसको बताना बता तू कौन बताएगा। तो दोस्तों मैं भी सोती हूँ और आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मौसी का केक कैसा लगा है कमेंट नहीं किया अभी तक तो कमेंट कर देना कौन सा वाला अच्छा लग रहा था मुझे फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर राधे राधे दोस्तों गुड नाइट।